मथुरा में देव दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मां यमुना के तटों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सजाया गया। प्रदेश कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है, जिन्होंने अपनी लीलाओं से भारत माँ की धरती को गौरवान्वित किया है। आज दीपोत्सव ये बताने के लिए काफी है कि जब सनातन संस्कृति को मनाने वाली सरकारों का चुनाव जनता करती है तो ऐसा नजारा देखने को मिलता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के साथ मथुरा में साधु संतों स्वयंसेवी संगठनों ने भी दीपदान में हिस्सेदारी की। देश दुनिया से पर्यटक भगवान श्री कृष्ण की नगरी देखने के लिए आते हैं। जिन्होंने दीपोत्सव का यह नजारा देखा वो बार बार यहां आना चाहते हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। नजारा ऐसा है कि जैसे यमुना महारानी साक्षात यहाँ पे प्रकट हुई हो, और ये नजारा आज तक कभी इतने जन्म में इतने 60 सालों में हमने कभी नहीं देखा, जिसकी अद्भुत हमको दर्शन की अनुभूति हुई है। हम गुजरात भरूच से आए हुए हैं। यमुना महारानी का ये अलौकिक दृश्य देखकर हम सच में आनंद और भाव विभोर से भर गए। माता यमुना हमेशा इस तरह को दर्शन। आज के दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का अंत किया था, और जब व्यक्ति के जीवन में त्रिपुरासुर का अंत होता है, त्रिपुर का अंत होता है, तभी उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। आज वृंदावन के प्रमुख 7 घाटों पर श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान की ओर से आप सबके सहयोग से और प्रशासन के नेतृत्व में भारी मात्रा में गैया के गोबर से बने हुए दीप जलाए गए हैं, और जो भी यमुना मैया में दीप छोड़े जा रहे हैं वो सब आटे से बनाए गए हैं। उन्हीं मशीनों के द्वारा, जिन मशीनों से गैया के गोबर के दिए बनते हैं, उन्हीं मशीनों से आधुनिक ढंग से आटे के दिए बनाए गए हैं जो यमुना जी में प्रवाहित किए जा रहे हैं। आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब पूरे देश में तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है। तीर्थ स्थलों के प्रति आस्था लोगों में जगी है,